नमस्कार, मैं किशोर, आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और मेरी मौजूदगी इस वक्त उधमपुर के जिला के साथ लगते एमएच में है। आपको बता दूं कि उधमपुर पुलिस जो है वो खरगत में आई है। आपको बता दूं कि आए दिन हमने ये देखा कि रात के समय हो या दिन का समय हो तो उधमपुर पुलिस जो है वो काफी एक्टिव जो है वो देखने को मिल रही है। आपको बताते चलें कि ये जो एमएच का चौक है, यहाँ पे देखिए डीएसपी ट्रैफिक के साथ साथ एडिशन एसएसपी उधमपुर उनकी तरफ से यहाँ देखिए एमएच चौक के अंदर जो है वो नाका लगाया गया है। हर आने वाले जाने वाले की यहाँ पे देखिए जिसने हेलमेट नहीं पहना है उसको यहाँ पे पूछा जा रहा है, उसके उनके चलान काटे जा रहे हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि ये जो एमएच चौक का आप नाका देख रहे हैं या मुख्य चौक देख रहे हैं, यहाँ से हजारों की तादाद में जो है लोग निकलते हैं और जिसने भी सीट बेल्ट नहीं डाली है उस पर भी कहीं ना कहीं जो है वो उधमपुर पुलिस द्वारा चलान काटे जा रहे हैं और पूरी तरह से उनकी पूछताछ की जा रही है। देखिए खुद जो है एसएचओ रघुवीर चौधरी भी यहाँ पे मुख्य नाके पर पहुंचे हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि दिन का समय हो या रात का समय हो, हम आपको ये भी बताते चलें कि आए दिन जो है वो इनकी तरफ से नाके लगाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चलें कि ये जो एमएच का चौक का ये मुख्य जो नाका है, यहाँ पे जो चौक है, यहाँ पे आए दिन हमने देखा कि काफ़ी जो है वो एक्सीडेंट भी हम इस इलाके के अंदर होते हैं और काफ़ी इस इलाके के अंदर जो है बिना हेलमेट के जो नौजवान हैं वो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन अब पुलिस जो है वो काफ़ी एक्टिव जो है उधमपुर पुलिस देखने को मिल रही है। हम आपको ये भी बताते चलें कि पिछले दिनों भी एक जो है वो अनोखा तरीका जो है वो उधमपुर पुलिस द्वारा आजमाया जाता है। जो भी रंग पार्किंग के अंदर गाड़ियां लगाई गई उनको पहले अवगत किया गया, उनको पूरी तरह से आग्रह किया गया कि कोई भी जो है वो रंग पार्किंग के अंदर गाड़ी लगाता है उसको पहले पूरी तरह से लाउड स्पीकर के माध्यम से समझाया गया। लेकिन आज सुबह सुबह हमने ये देखा, देखिए ये एमएच का चौक का ये एरिया है और यहाँ पे देखिए हर जगह खुद जो है वो एडिशन एसपी अनवर उल हक यहाँ पे मौके पर पहुंचे हैं और हर गाड़ी की यहाँ पे पूछताछ की जा रही है, किसने सीट बेल्ट नहीं डाली है या बिना हेलमेट के जो भी यहाँ से निकल रहा है उस पर जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। और सिर्फ एमएच चौक की बात नहीं है, हमने ये देखा खुद जो है डीएसपी हेडक्वार्टर सलातिया चौकी में बात करूं या टीसीपी दुमेल की मैं बात करूं तो हर जगह पे आपको इस तरह के जो है नाके दिखाई देंगे। और घर से पहले निकलने से पहले जरूर जो है जिसने हेलीपैड नहीं पहना है, एमएच की मैं बात करूं, हर चार चौराहे पर इसी तरह के आपको नाके दिखाई देंगे। और अब आने वाले दिन बताएंगे क्या इस तरह के जो है वो नाके उधमपुर पुलिस द्वारा लगाए जाएंगे या चंद दिन के लिए लगाए जाएंगे। लेकिन जो नाके यहाँ पे लगाए गए हैं काफी एक्टिव जो है वो नाके यहाँ पे लगाए गए हैं। देखिए यहाँ पे आप सब तो तस्वीरों में देख सकते हैं, जब भी नाके लगते हैं जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हेलमेट के बिना जो आए दिन हमने देखे हैं कि लोग निकलते हैं। लेकिन जरूर जब से ये नाके लगाए जा रहे हैं तब से हमने ये देखा कि काफ़ी जो लोग हैं वो भी खुद सतर्क हो गए हैं, वो भी हेलमेट के बिना घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और हम आपको ये भी बताते चलें कि उधमपुर पुलिस की मैं बात करूं तो उधमपुर पुलिस द्वारा काफ़ी एरियों के अंदर जो है वो इसी तरह के जो है वो नाके लगाए हैं। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए गुलिस्तान लाइव फीड।